हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमने पार्ट वन एचवीएसी ड्राफ्टिंग का कोर्स शुरू किया। पार्ट वन कंप्लीट हो गया। तो पार्ट वन में मैंने आपको लेयर एडजस्ट करना बताया था कि हम जो है प्लान को ग्रे कर देंगे, तो ये प्लान ऑलरेडी ग्रे हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्लान है, बहुत बड़ा विला है, तो हम इसको पैकेज यूनिट लगा रहे हैं और स्टेप टू स्टेप करेंगे। तो फिलहाल मैंने इतने से एरिए को स्केच किया है और डिस्कस करते हैं इसके स्केच एरिए को। ठीक है, तो ये स्केच किस तरह किया है और ये किस तरह होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये मैकेनिकल शाफ्ट, दिस इज ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ शाफ्ट है, इसलिए डॉटेड है, ये नीचे नहीं आ रहा। ठीक है, डॉटेड हुआ हुआ देखें, इसका मतलब ये ऊपर है। अगर आप नीचे से खड़े होकर देखेंगे तो ऊपर खुला हुआ नज़र आएगा और ये इधर सीलिंग है। ठीक है, तो ये यहाँ से डक सीलिंग से अबव भी रहेगा, नीचे नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए डॉटेड है ये, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे ये डॉटेड नहीं होगा, ये शाफ्ट होगा पूरा। ठीक है, तो ये यहाँ से एंट्रेंस है इसका मिलेगा, और ये आपका स्टेयर लॉबी एरिया है और ये फैमिली सिटिंग एरिया है। हम इसको डक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, पैकेज यूनिट लगाएंगे यहाँ पर हम, और इसमें सिर्फ ये ड्राफ्टिंग लेआउट है, ये कोई डिज़ाइन नहीं है। डिज़ाइन ऑलरेडी डिज़ाइनर ने कर दिया, सारी कैलकुलेशन कर दी है, सब कुछ कर चुका है, खाली हमें ड्राफ्टिंग करनी है इसकी। ठीक है, डिज़ाइन के हवाले से ही मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, आप देख सकते हैं आगे जाके मेरे चैनल पे। तो ये ड्राफ्टिंग है, तो ड्राफ्टिंग किस तरह करेंगे, अब देखिए, ये फैमिली सिटिंग एरिया को हम ड्राफ्टिंग करेंगे। ठीक है, पहले हम सिंगल लाइन करेंगे, फिर हम डबल लाइन करेंगे। अच्छा, इसमें हमें देखें, ये सारा ग्रे इंफॉर्मेशन है, ये जो है हमने इसकी जो है लाइन थिकनेस भी हमने लेयर्स में फिट की हुई है जो 0.1 है। ठीक है, और इसकी लेयर्स हम नया लेयर बनाएंगे डक्टिंग के हिसाब से। तो ये एरिया देखें दोबारा। ठीक है, तो ये एरिया आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम स्केच की तरफ, इसका स्केच की तरफ, ये देखें, ये स्केच मैंने सो सिंपल। अच्छा, ये स्केच को किस तरह आप लाएंगे, अगर आपको ड्राइंग में लाना है तो आप सो सिंपल इसको डिलीट कर दें, डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट करके यहाँ भी स्केच रखा हुआ, जैसे ये मेरे पास रखा हुआ, तो उसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने ऑटो कैड खोल लेना है। ठीक है, जहाँ भी आपकी फाइल या फाइल पड़ी मेरी, तो मैंने ऑटो कैड ओपन कर लिया। ठीक है, ये एरिया है वो, तो यहाँ पर मुझे स्केच लाना है। स्केच लाने के लिए क्या करेंगे, एक तो स्केच आपके पास ऑलरेडी हार्ड कॉपी मेरे पास हाथ में है, उसके बाद भी आ रही होगी, हार्ड कॉपी मेरे हाथ में है, तो मैं स्केच को देख के करता हूँ। मेरे पास A4 प्रिंटर है, तो मैं A4 से प्रिंट किया हुआ है, वरना ये A1 प्रिंटर में प्लॉटर पे बड़े प्लॉट होता है, A1, A0 और A2, A3 साइज पे, तो वहाँ पर आसानी से आप आराम से रखते कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी अगर स्केच लाना है ड्राइंग के अंदर, तो आप इसको कॉपी कर चुके हैं, यहाँ पर क्लिक करें लेफ्ट, ठीक है, राइट क्लिक करें आप, राइट क्लिक करने के बाद जैसे ही खुलेगा तो क्लिपबोर्ड में आ जाएँ, फिर इसको पेस्ट कर दें, और जो भी साइज़ आपने रखना है बड़ा करके इसको आप ऑर्थो ऑन कर लें, ऑर्थो F8 से ऑन हो जाएगा, ऑर्थो आप F8 दबाएंगे तो ऑर्थो ऑन हो जाएगा। ऑर्थो ऑन से ये है कि ये आप देखें, ये रेक्टेंगल ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ऑर्थो F8 से ऑन हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको प्रेस किया, ये आ गया। ठीक है, तो अभी मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, ये आपका स्केच इसी एरिए का, फैमिली रूम का, स्टेयर केस का, और ये इसका ओपनिंग है। ठीक है, तो ये सारी मैकेनिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमने देनी है, जो हम इसमें डार्क कलर में देंगे। ठीक है, अब आप देख लें, ये देखें, ये जो है आपका साइड ग्रिल आ जाएगा। ठीक है, ये साइड ग्रिल दे रहा है यहाँ से, ये साइड चारों तरफ साइड ग्रिल आ जाएगा एज पर सी। ये जो आपका ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है, ये आपका साइड ग्रिल आ जाएगा। ठीक है, और ये डक्ट यहाँ से चलेगा, ये डक्ट आपका जो क्रॉस में है वो सप्लाई है, और ये रिटर्न है, और ये बेल माउथ है, क्योंकि ये बहुत सीलिंग है, यहाँ से डायरेक्ट ले लेगा। ठीक है, ये जाएगा 800x400 का डक्ट चले, पहले 875x400 का चलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ये रिड्यूस होता जाएगा, रिड्यूस होने के बाद जो है ऐसे जाता जाएगा, यहाँ पे सप्लाई देगा, यहाँ से भी डक जा रहा है, यहाँ से भी सप्लाई जा रहा है। ठीक है, अब इसको हमने ऑटो कैट पर ड्राफ्ट करना है। अब पहले मैं इसको सिंगल लाइन ड्राफ्ट करूँगा,
फिर उसके बाद डबल लाइन ड्राफ्ट करूँगा। अच्छा, मैंने ऑलरेडी इसकी ड्राफ्टिंग की हुई है, जो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि ये इस एरिया की ड्राफ्टिंग किस तरह की हुई है। तो हम उसको ड्राफ्टिंग शुरू से करेंगे, ठीक है। तो ये एरिया की ड्राफ्टिंग देखें आप, ये स्केच है, यहाँ पे भी ग्रिल आएगा, यहाँ से सप्लाई आएगी, फिर स्टेयरकेस के फ्रंट पे जो स्टेयरकेस एरिया लॉबी एरिया है, यहाँ पे सब ग्रिल आएगी। और यहाँ पे इसका देखें, ये फ्लैक्सीबल दिया हुआ है ग्रिल, ये ग्रिल है ऑरेंज वाली, और ये डक्ट आ रहा है, ये जो आपका बैगनी कलर है जिसको हम जामनी कलर भी कह सकते हैं, और जो पर्पल कहलाता है इंग्लिश में, तो इसको यहाँ से ये आया है, ठीक है। ये डक्ट है, इसका डक्ट आ रहा है और फ्लैक्सीबल लगा हुआ है, और यहाँ ये सप्लाई हो रही है, फिर ये डक्ट ऐसे आगे जा रहा है, ये ऑरेंज पे लगा हुआ है, ठीक है। ये सब साइज़ दिए हुए 800 by 400, यहाँ भी लिखा हुआ, पेंसिल से भी लिख दिया मैंने इसको, ठीक है, ये भी लिख दिया। आप इस स्केच को समझिए, ठीक है, ये सप्लाई एंड रिटर्न ग्रिल है, ठीक है, ये ऐसे ही आपका ऑरेंज कलर से जो है, ठीक है, और जो पर्पल कलर है जिसको जामनी कलर कहते हैं, ठीक है, या बैगनी कलर है, वो आपका डक्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपकी डक्टिंग या लेआउट है, इस एरिए को मिस्टर डक्टिंग करेंगे। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि डक्टिंग किस तरह की है, मेरे पास ऑलरेडी डक्टिंग हुई हुई है इस एरिए की, ठीक है, उसको मैं पॉज करता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे था लेफ्ट लॉबी एरिया, ये देखें, ये सप्लाई का डक्ट है, ठीक है, ये क्रॉस में दिखाते हैं सप्लाई के डक्ट को, ठीक है, ये सप्लाई का डक्ट है 870 by 400 और 4100 CFM, ठीक है। तो ये इसका है, ये ग्रिल आ गया, ठीक है, ये फ्लैक्सीबल दिखा रहा है इसमें, ये दो आपका सप्लाई 1 और 2, और ये दो रिटर्न है 1 और 2, ठीक है, ये सेम साइज 1 2, ये सेंटर से इसको आप यहाँ करेंगे, ये रिटर्न हो गया, ठीक है, ये सप्लाई हो गया, और ये इसका बेल माउथ है रिटर्न, ठीक है, ये बेल माउथ से ये सीलिंग के अलावा होगा, ये नीचे से खड़े हो गए, आप देखेंगे ऊपर सीलिंग है, कवर है, नीचे से नज़र नहीं आएगा, ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर से आप इसको ये शुरू होगा, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है। तो ये देखें आप, ये 870 by 400, ये वॉल्यूम डैम्पर्स लगे हुए हैं बैलेंस करने के लिए, 800 by 400 है ये, ठीक है। और यहाँ से आप आगे जाएंगे तो ये डक ऐसे जाकर टर्न हो जाएगा, हम डक बनाएंगे, ये पहले सिंगल लाइनें बनाएंगे, फिर डबल लाइनें बनाएंगे, ठीक है, मैं बताया था यहाँ से ये स्केच में ऐसे जा रहा है, देखिए आप, ठीक है, ये वॉल्यूम डैम्पर्स लगे हुए हैं, ये फ्लैक्सीबल लगा हुआ है, ठीक है, ये सप्लाई है, ये रिटर्न है, ठीक है, एक सप्लाई सप्लाई दो सप्लाई, उसके बाद आर ए जी रिटर्न एयर ग्रिल है, रिटर्न एयर ग्रिल, रिटर्न एयर ग्रिल, जितने सप्लाई होंगे उतने रिटर्न ग्रिल होंगे, ठीक है, फ्लैक्सीबल दिया हुआ है। अच्छा, 300 CFM SLD, ठीक है, 3 स्लॉट्स, 1 मीटर लॉन्ग है ये, ठीक है, और 250 फ्लैक्सीबल डक्स में कनेक्ट हो रहा है वॉल्यूम टेम्पर के साथ, और 300 CFM ईच है, 300 CFM इसमें ईच आ रहा है, ठीक है, 400 CFM इक्वल टू 110 होता है, ठीक है, ये तो पता है आपको, ठीक है, इसमें ये आ रहा है। तो ये फोर इसकी जो है 300 by 275 है, ये सारा कैलकुलेट जो है सीनियर इंजीनियर करके देगा आपको, आप डोंट वरी, आपको कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ स्केच मिलेगा, और वो स्केच मैंने सही तरीके से नहीं किया है, वो बड़े असल में पेपर जो है A0 साइज पेपर पेपर पे होता है, तो बहुत क्लियर होता है और स्केचिंग भी अच्छी होती है। तो ये ग्रिल इस तरह हम इसको इस तरह बनाएंगे, ठीक है, इस तरह हम ड्राफ्ट करेंगे इसको, इस तरह करेंगे, ठीक है, आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इसका साइज़ कितना है, 875 by 400 स्टक का साइज़ है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह फ्लैक्सीबल करेंगे, इसको सेंटर से दो पास पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके क्लियर हो गया मेरा ख्याल है कि हम इसको इस तरह किस तरह हम ड्राफ्टिंग करेंगे इसको, ये स्केच आ गया और ये ड्राफ्टिंग हो गई है। एक दफ़ा और स्केच पे आप आ जाएँ तो ये ड्राफ्टिंग के लिए देखें, ये यहाँ पर दिया हुआ है उसने, इसी तरह ये यहाँ पर लाई हुई है, यहाँ सप्लाई है, ये जा रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये जा रहा है, यहाँ से ये सप्ल दिखा रहा है ये, ठीक है, सप्लाई रिटर्न ग्रिल सेम होगी और इसकी ड्राफ्टिंग होगी, यहाँ से टक जा रहा है। तो हमें इसको देखते हुए ड्राफ्टिंग स्टार्ट करनी है। अब ये हमें क्या करना है, हमें लेयर बनाना है सबसे पहले, वी हैव टू मेक द लेयर्स, ठीक है। अब होम में आ जाए, इंसर्ट है, नोटेशन है, ट्रोमेटिक है, व्यूज है, मैनेज है, तो आप यहाँ पे होम में आ जाए, ये ऑटो कैट 2019 है,
अच्छा वीडियो वन जो पार्ट वन है उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो आपने वो उसका लिंक किस तरह आपको डाउनलोड करेंगे 2019 को और किस तरह आपने ऑफिस स्टूडेंट डाल के और उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स की अच्छा जो डाउनलोड वीडियो है वीडियो की उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पढ़ लेंगे आप जो कैसे डाउनलोड कर सकते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स दी मैंने, ठीक है। वो वीडियो आप देखें तो डाउनलोड कर लें 2019 उसके बाद उस पर काम शुरू करें। अच्छा हम लेयर्स में आ जाते हैं, लेयर्स में हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये लेयर खुल गया। अभी हमें यहाँ पे क्या लेयर्स न्यू लेयर बनाना है, देखें अब ये देखें न्यू लेयर, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना, न्यू लेयर्स के बाद हम यहाँ लिख देते हैं एच ई ए सी, ठीक है, ई यू सी टी डॉट एच वी ए सी डॉट। इसको हमने क्या करना है रेड या मैजेंटा ले लें, रेड ले लिया, ठीक है, इसको रेड कर दिया। अच्छा इसकी जो लाइन थिकनेस है इसको इस लाइन इसी में रहेगा, ठीक है, ये लाइन रहेगा सॉलिड लाइन, फ्लेक्सिबल के लिए हम ये लाइन दे देते हैं, ठीक है, और ये हमें सॉलिड लाइन ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। और इसकी जो लाइन तो वेट है थिकनेस, ठीक है, देखो लाइन वेट यहाँ पर हम इसमें डिफॉल्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम थिक कर देते हैं 0.6 कर देते हैं या 0.5 कर देते हैं ताकि हमारा जब प्रिंट आउट हो तो ये अगर ऐसा लाइन टाइप आप प्रिंट आउट कर रहे हैं तो ये इसके देखने ज़्यादा हो, ठीक है। बाकी डिफ़ॉल्ट रखा है हमने, ऐसा मसला नहीं है, डिफ़ॉल्ट मतलब 0.1 होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये सब ये हो गया, इसकी रेड हो गई, ठीक है। अब ये इसको हम क्या करते हैं आपका करंट लेयर सेट कर देते हैं, इसको ये बटन दबाएंगे आप करंट लेयर हो जाएगा, ठीक है, सही है। तो ये डक्ट हो गया एच वी ए सी डक्ट, इसको क्लोज कर देंगे आप, तो आप रेक्टेंगुलर बनाएं आर बी सी लिखेंगे रेक्टेंगुलर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने एक रेक्टेंगुलर यहाँ से पूरा बना लेना, ठीक है, बनिए एक लाइन आपने यहाँ सेंटर से, इसकी स्नैप सेटिंग सब थोड़ा सा देखना पड़ेगा सेंटर से, यहाँ से आप कैसे कर लें इसको आप, ठीक है, टी आर करके इसको ट्रिम कर लें, टी आर दबाए, एक लाइन आप यहाँ से सेंटर से ले लें, ठीक है, यहाँ से आप लाइन लिखेंगे एल, ठीक है। मैं इसको अभी स्नैप्स बाद में सेटिंग करता हूँ, स्नैप्स की इसको मूव कर लेना, इसको मूव कर लें सेंटर में, इसको मूव कर लें, ठीक है। तो ये आपका जो है डक्ट है आपका रेड में हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैं इसकी स्नैप की सेटिंग करूँगा, आज स्नैप की सेटिंग सही हुई नहीं है इसकी, ये सप्लाई होगा, ठीक है, सप्लाई का क्रॉस होता है और ये रिटर्न हो गया, ठीक है। अब हमें एज पर स्केच आप देखें क्या है, ऐसे डक्ट को यहाँ से लेके जाना है, ऐसे यहाँ पे छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ सेंटर से लाइन खींचना है, ठीक है, यहाँ से आगे लाइन खींच के इसको यहाँ से ले जाके सीधी लाइन खींचने को स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, इसको जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, यहाँ तक ये हो गया, ठीक है, ये लाइन हो गया। उसके बाद एक लाइन आप यहाँ से और ले लें, यहाँ तक छोड़ दें, चलिए ये डक्ट ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये सिंगल लाइन पर हम बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम इसको डबल लाइन बनाते हैं बाद में। अब यहाँ से एक सेंटर लाइन ऐसे भी आ रहा है, ठीक है। अब आपने यहाँ से एक लाइन और ले लें, यहाँ से इसको हम बाद में स्नैप्स करके सेटिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक लाइन आप यहाँ से भी ले लें, ठीक है, अब इसको आप ट्रिम कर लें, ठीक है, इसको भी आप ट्रिम कर लें, टी आर करके क्या करेंगे, टी आर लिखेंगे ट्रिम, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके
इसको ट्रिम कर दें, ठीक है, ये हो गया। अब ये सिंगल लाइन डक्ट हमारे पास आ गया, हमारा डक्ट ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। अब इसको हमें बेल बेल माउथ को आपको क्या करना है, बेल माउथ को सो सिंपल आपने यहाँ पे एक लाइन लगा के ऐसे करके एक लाइन ऐसे लगानी है आपने, ठीक है ठीक है, ये हो गया आपका। फिर एक लाइन आपने ऐसे लगानी है, थोड़ी बड़ी कर लें इसको, मैं आपको बाद में स्नैप्स करके दिखाऊंगा। यहाँ से इसको ऐसे कर लें, यहाँ से ऐसे कर लें, ठीक है। ये तो बेल माउथ आपका रेडी हो गया, ठीक है, इसको ट्रिम कर लें। रिटर्न का लाइन हो गया, ठीक है, ये देखेंगे ये बेल माउथ रिटर्न का आ गया, ठीक है, रिटर्न हमारे पास रेडी है। ये देखेंगे यहाँ पर ये ऐसे ही दिखा रहा था, ठीक है, और आप अगर मूवी भी देखें तो ये रिटर्न की लाइन ऐसे ही है, बेल माउथ ये हमने इसको इस तरह किया, ठीक है। ये बेल माउथ है, इसमें यहाँ पे जो है इसका बेल माउथ रेडी हो गया आपका, ठीक है। आप स्केच पे देखें, स्केच पे भी आपके पास ये बेल माउथ रेडी है, ठीक है। ये देखें ये एक्चुअल में भी ऐसे ही बेल माउथ है। अच्छा, हमने सिंगल लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली है। आप देखेंगे हमने अपने प्लान में अगर काम लिखें इसमें सिंगल लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब हम सिंगल लाइन की जैसे करें डायमेंशन लगा देंगे ये सारी डायमेंशन, ठीक है, कि हमारे पास डायमेंशन वहाँ पर दी हुई है, ठीक है। डायमेंशन लगाने के बाद हम इसको स्केच करेंगे बस, तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये देखें इसमें सप्लाई, ये आपका सप्लाई आ गया, ये रिटर्न ऑलरेडी हमने बना दिया, ठीक है। और आप इसको देखेंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा ये, मेरा ख्याल है मुझे पता नहीं कितने किस तक जाएगा, लेकिन इस एरिया के लिए दो तीन लेक्चर और लगेंगे बनाने में, ठीक है। तो टाइम लगता है इसमें ड्राफ्टिंग में, तो आप सकता है कि फास्ट ड्राफ्टिंग कर सकें, मैं तो स्लो करता हूँ बहुत, लैपटॉप पे थ्रो करता हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये स्केच आप दोबारा एक दफ़ा देखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फाइनली बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।